नमस्कार, आप देख रहे हैं आर वॉइस न्यूज 24x7 और मैं आपके साथ फहिमा। पूर्णिया से संवाददाता शक्तिमान कुमार की रिपोर्ट। बिहार के पूर्णिया से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। शहर के खुशकी बाग ओवरब्रिज पर शनिवार की सुबह समीर ट्रैवल्स की एक चलती बस में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते बस जलकर खाक हो गई। गनीमत रही कि इसके पहले ड्राइवर की सूझबूझ से बस में सवार सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया। घटना के संबंध में समीर ट्रैवल्स के मालिक भोला प्रसाद चौधरी ने बताया कि बस किशनगंज से पूर्णिया आ रही थी, उसी क्रम में खुशकी बाग ओवरब्रिज पर अचानक आग लगी और बस धू धू कर जलने लगा। इस घटना में जान माल की क्षति नहीं हुई है, सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया है। आग की लपटें देखकर अफरा तफरी मच गई और आसपास के लोगों की सूचना पर फायर ब्रिगेड की दो दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड कर्मचारियों ने बड़ी मशक्कत करके किसी तरह आग पर काबू पाया। दमकल की गाड़ियां जब तक मुख्यालय से घटना स्थल पर पहुंचती तब तक बस जलकर खाक हो चुकी थी। दमकल वाला का कोई खबर है ना? हम क्या बोल रहे हैं? दमकल वाला का कोई खबर है ना? Watching our voice news for daily news updates and do follow, like and share this video. Thank you.